हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की दाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। भिंडी की दाल बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 250 ग्राम भिंडी, 1 कप इमली का पानी, 1 बारीकी से कटा हुआ प्याज, थोड़े से कड़ी पत्ते, 3 से 4 कूटे हुए लहसुन, 5 से 6 हरी मिर्च और 1 कप तूर दाल। अब एक भिंडी ले लेंगे और इसके साइड्स को इस तरह से काट लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से हमें बाकी भिंडियों को भी काट के एक प्लेट में निकाल लेना है। अब एक बाउल में 1 कप तूर दाल ले लेंगे और इसे अच्छे से पानी डाल के साफ कर लेंगे। अब फ्लेम पे हमने प्रेशर कुकर रख दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, कूटे हुए लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और कड़ी पत्ता डाल के इसे लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम कटे हुए भिंडी डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दो मिनट हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, धुला हुआ तूर दाल और इमली का पानी। फ्लेम हमें लो ही रखना है और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाए। इसमें अब हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें ढककर 4 विजिल आने तक पकने देना है। चार विजिल आ चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर में का गैस निकल चुका है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। दाल जो है हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम हैंड ब्लेंडर से इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये और भी पतला हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। भिंडी का दाल हमारा बनके तैयार है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये पक चुका है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।